इधर मैंने जस्ट अभी एडिटिंग कंप्लीट करी है और वीडियो शेड्यूल पे लगाया है और उधर मैडम जी एडिटिंग कर रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है। वैसे आज का व्लॉग क्यूट होगा, क्यूट सा होगा। और इस पल का हम भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और हर्ष भी, मतलब बेसिकली ये व्लॉग आज का मैक्सिमम डेडिकेटेड है हर्ष के लिए। हर्ष अभी गया हुआ है शॉर्ट्स बनाने के लिए। अश्विन भाई के घर गया है वो? हाँ, अश्विन भाई के घर पे वो शॉर्ट्स बना रहा है और वो जब आएगा तब बताऊंगा एक्चुअल में आज क्या है, क्यों इतना स्पेशल होने वाला है आज का व्लॉग। इसको हजार बार मना कर दिया, कभी क्या खा ली थी, कभी क्या खा ली थी, कभी क्या खा ली थी। मैं यहाँ पर आया हूँ ऐसे पड़ी हूँ सुकड़ के। फिर इसने बताया कि पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैडम जी आज शांत बैठी हैं चुपचाप से। बड़ी हीरोइन बन रही थी, मैं तो दुकान पे गई, मैंने मिंट मांगी, दुकान वाले अंकल ने सोचा होगा कि एक मांगेगी, मैंने 15 मांगी। ले ले 15। किसी बताया इन दोनों से कौन सी शर्ट पहनना है? ये वाली। क्यों, तू बता। अकड़ पकड़ मांगा, जब देखो पहनी नहीं है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? ऐसे तू बता, तीनों का वोट ले रहा हूँ मैं। वो देवी गलत नहीं बोल सकती भाई। मैगी खा के बुराई कर रही है। थोड़ा वारस पे दाब लगा दी, बोले आपने बता रही कैसी मैगी बनाई थी। अब आइंदा से मैगी बनेगी इसको नहीं मिलेगी। क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं किया, ये ब्लॉग बनाता है। शॉर्ट बनाता है। कोई बात नहीं, जो इसमें है वो तो खा लेते। मेरे को यार उसको वो ठीक कर, उसको साफ करे। अंधी है की? अंधी है ये। पीछे आंखें हैं मेरी। और तू बहरी है। अरे यहाँ खड़ी, मेरे दो बार मुझे खाना डाल दे, है खाना डाल दे, है। अरे मैंने कहा बहरी खाना डाल दे। भाई कसम ये दोनों बहनें डिफेक्टिव पीस ही है पूरी। किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी के हाथ पैर काम नहीं करते। मैं अभी बोला आंटी ने। किसी के नाक में दिक्कत है, किसी के पता नहीं। भाई तेरी कसम ये परिवार मर गए। अब तो किसी वीडियो बना। सॉरी सॉरी सॉरी, तू जैसी भी डिफेक्टिव है मेरे काम की है बड़ी। जल्दी देखो ना, टेढ़ा है पर हमारा है। बैठो बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ओके, तो हमने ना काफी सारा काम हमारा कर लिया है, अब हम एकदम फ्री हैं और अब चलने वाले हैं हम हमारे घर। यस, तो देखो गाइस, हम बता दें हर्ष की फर्स्ट इनकम आई है। हर्ष दे रहा है अपने पापा को गिफ्ट, तो आज सारा का सारा व्लॉग इसी का है। और आज हर्ष भी बोलेगा पहले कमाता नहीं था पापा, अब कमाता हूँ। इसने ना पहले गिफ्ट दिया था ना अंकल को, तो अंकल ने ना पूरे के पूरे पैसे, क्योंकि उन्हीं के पैसे से उसी को गिफ्ट दिया था, तो उन्होंने पूरा का पूरा जितने का वो गिफ्ट था वो मेरे बैंक में डलवा दिया, बोले तू ऐश कर। लेकिन इस बार हम बैंक में वापस नहीं लेंगे, इस बार अंकल आप नहीं, ले लूंगा पापा, देखो ले लूंगा बेटा, तो देखो। हाँ, ब्लॉग में तो किसको पता चलेगा। सारा चंट गईगा। वैसे ना जो गिफ्ट अंकल के लिए इसने चूज किया है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिल पाया है, और अभी भी मतलब वो एक ही पीस पड़ा है एक ही इंसान के पास। हाँ, 8-10 जगहों पे देखने के बाद भी वो एक ही जगह मिला है। और इनको डर लग रहा है चीजें भी एंटीक पीस जैसे ढूंढ रहा है, कौन चुरा रही थी। हाँ, और इनको डर लग रहा है कि वो बिक ना जाए कहीं। हाँ भाई, मैं तो पूरा पे कर दिया ना तूने एडवांस उसको। मैंने इतना ही दिया है, लेकिन अगर उसके पास ज्यादा महंगा कस्टमर आ गया तो वो दे देगा उसको पूरे। दे दे पूरे। वैसे आप गेस कर पा रहे हो कि वो क्या देने वाला अपने पापा को गिफ्ट? गेस कर पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। समझ गए होंगे पागल, कुछ भी लॉन्च हो सकता है। अरे हाँ, नया तो टूथपेस्ट भी लॉन्च होता है। कमेंट करके जरूर बताना अगर आप गेस कर पा रहे हो तो। और हमारे लिए तो टूथपेस्ट कितना इम्पोर्टेंट आपको पता ही है, हमें तो चैलेंजेस में खाने के लिए चाहिए होता है। चैलेंजेस में खिलाना पड़ता है क्योंकि करते ही वैसे कैसा पूरा को पूरा साबुत रखा। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसके बाद सीधे जाएंगे अंकल घर पे, तो है ना पता कर ले पहले। हां, मैंने पूछा था मम्मी से, वो घर पे ही है। घर पे ना पता नहीं चलता, वो अंकल भी गाड़ी लेके चल देते हैं किधर को जाएंगे। सुना, वो जो ट्रेंड चल रहा है शट अप एंड बेंड ओवर, एवं करके बता दे जल्दी से। हां भैया प्लीज, मगर मुझे नहीं पता वो ऐसे होता है ना, फिर वैसे करके वो ऐसे 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 कमर। देख, मैं सिखाऊं, मैं सिखाऊं, मेरे को पकड़। हां देख ऐसे, शट अप एंड बेंड ओवर एंड स्टे। चल रही है हर्ष की ना एक चीज बताता हूँ, अभी ये ना एटीएम इसके साथ पेमेंट निकलवाने, इन्होंने निकाल ली, आधा निकाल लिया इन्होंने, फिर क्या तीन चार लोग आ गए, जल्दी चल जल्दी चल, मेरे को पता नहीं क्या हो गया भैया, जल्दी चल, तीन चार लोग खड़े, मेरी फट रही है, जल्दी चल। पता ही है ना, पता है कभी पेमेंट करते हैं ना, तो पता है कैसे, जैसे कार्ड लगा के मैं फट से ही कर देता हूँ, अपन नॉर्मल लोग करते हैं, ये कार्ड लगाता है ऐसे कर रहे हैं।
इन्फॉर्मेशनल बात है क्या है कि जहाँ पे अपन पिन डालते हैं ना उसके ऊपर की साइड एक लेयर होती है जो रिकॉर्ड कर सकती है, मतलब अगर वो लोग कैमरा वहाँ लगा देना पतला सा तो दिखे भी नहीं करोड़ों वाले कहाँ समझेंगे गरीबों की बात, कौन करोड़ों वाले करोड़ों वाला तेरे अरबों से तो होऊंगा और मैं इसके लाखों से। देखो ये रहा हमारा गिफ्ट, अब इसको जा रहे हैं हम पैक कराने के लिए, तो जल्दी से पैक करवा के ले आते हैं फिर अंकल के पास जाते हैं। देखो हम सारे प्लान कैंसिल कर सकते हैं, सब प्लान पोस्टपोन हो सकते हैं, एक डॉग दिखना चाहिए छोटा सा बस, सब उतर के चले गए। चलो चलो बच्चा पार्टी मान जाओ, फिर हम जाके आते हैं। तुम्हें तुम्हारे ऊपर भोंक दिया, चलो कुछ नहीं भोंगा। हम पहुंच चुके हैं हर्ष के घर। ये सी पता है देखो जब स्कूल टाइम था ना, ये सी स्कूल टाइम पता है क्या, इस गेट पे ना ताला लगा रहता था इसका, ये ना दीवार यहाँ पर ऐसे थी इतनी छोटी, यहीं से कूद के जाता था, यहीं से कूद के आता था, गेट का यूज नहीं करता था वो। नमस्ते अंकल, अंकल आप कहाँ जा रहे हो, आपके लिए तो सरप्राइज है आज, आपके लिए तो सरप्राइज है, आप कहाँ जा रहे हो? आओ अंकल आओ, दादी जी आ गई, नमस्ते दादी, नमस्ते नमस्ते। सबसे ज्यादा खुश होने वाली दादी। आंटी मैंने आपकी जवानी की फोटो देखी, आप बहुत सुंदर। हाँ आंटी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अंकल, अंकल आंटी की लव मैरिज है। अंकल मान गई मैं क्यों है लव मैरिज, और अंकल की साइड से प्रपोज हुआ था और अंकल ने रिश्ते भी भिजवाए थे। दादी 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 ने रिश्ता करवाया था फिर, जिस लिए थे बोले करूंगा तो इसी से, नहीं तो नहीं कर रहा। हाँ। सारे गुण आ रहे हैं आपकी बेटी में। तो अंकल को गिफ्ट दे दिया जाए, दादी देंगी, चलो दादी देंगी, दादी दो गिफ्ट पापा के लिए, ये लो आपका गिफ्ट, गिफ्ट ये हर्ष की फर्स्ट इनकम का गिफ्ट है, तो पहला गिफ्ट वो आपके लिए लेकर आया, आप खोल के देखो। खोलो इसको, अंकल शौक में इसकी इनकम कब चालू होगी। अच्छा दादी बता रही खोलते हुए देखते इधर रहो। आपका फोन अटकता है, कम स्टोरेज है ना, अब ना अटकेगा ना स्टोरेज की दिक्कत आएगी। आपके लिए नया फोन, खोलो इसको, हमारे लिए तो बहुत ही सही है। अरे तो ये अंदर तक चेक कर देंगे, फोन क्या रहा है, नया कैमरा निकलेगा, एक बार निकाल दे, निकाल के दिखा देंगे तेरे को, अनबॉक्सिंग ऑफ वन प्लस नॉट टू, अभी जस्ट न्यू लॉन्च हुआ है ये, तो हफ्ता भर हुआ होगा, मुश्किल से बड़ी मुश्किल से ढूंढा इसको, ढूंढने में ऐसा परेशान हो गया। ये अब नहीं अटके रहा ये जीवन में, निकाल के देखो, फोन निकाल के देखो, कोई दिक्कत नहीं, अभी इंश्योरेंस भी है। कौन से कंपनी है? OnePlus। हंस दो हंस दो। अरे दादी तो पूरी अपने साइड है। ओ आशीर्वाद मिल गया। अब तो एप्पल ही मिलेगा, आपको टेंशन मत। ले लो पापा। चल गया। अंकल बोल रहे हैं चलाना ही नहीं आता, चलाना सिखा देना। कोई दिक्कत नहीं पापा, खूब कमा रहा हूँ, चलाने वाला रख दूंगा। Guys, OnePlus Nord. इसकी पहली इनकम से एक तो अंकल के लिए गिफ्ट और एक अपन करा रहे हैं काना जी के भजन। ये काना जी के भजन होने वाले हैं अंकल, हमने सब बात कर ली है, अब आप डेट बता दो किस दिन करने हैं, उस दिन यहाँ पर घर पे ही करेंगे अंकल पार्टी। ओके अंकल का हो गया, ओके जाते आते कर लेना, जो देता उससे ले लो, सबका मीठा वो करो। हाँ पहली फोटो दादी की है। दादी पोज, दादी हंस दो, दादी हंस दो, फोटो फोटो। अच्छी तो आईफोन में नहीं आती कह रहा, दादी के लिए भी तो लाना चाहिए था कोई गिफ्ट, दादी के लिए सोच रखा है तो टेंशन मत लो। अच्छा
इम्पोर्टेंट है मामला। हाँ, दादी के लिए तो कोई और ही गिफ्ट लाए। क्या मिठाई खाओ दादी? हाँ, आज तो दादी की आज तो प्राउडली खिलाई है दादी ने मिठाई कि बोले अंकल ऐसे कर दो एक बार शाबाश आज तो बनता है ये। इसी दिन का तो वेट कर रहे थे हम कब से। तो अंकल तो बहुत खुश हो गए, दादी डबल खुश हो गई और सूरज चला गया जिम। उस आदमी का तो काम है बस ये खुशी खुशी में जिम चले गए। वो उसको खुशी खुशी होती है, ज्यादा कुछ भी होता है मैं तो जिम जा रहा हूँ। तो वो जिम चला गया और हम लोग जा रहे हैं उससे भी ज्यादा खुश है, इसलिए हम पार्टी करने जा रहे हैं। ऐसे तो उसको हमने बोला था पर उसको क्या अपने जिम से ज्यादा ही प्यार है, तो वो पहले जिम चला गया और अब हम लोग जाएंगे पार्टी के लिए। अच्छा हर्ष, तुझे पता है कि अपने एक चैनल पर 600K होने वाले हैं। उसमें कुछ मेरे हिसाब से 4000 ही बचे हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जल्दी से 600K ऑन आवर फैशन चैनल। अभी हो रहा है टाइम 7:31 और अभी तक हमें घर जाना चाहिए था, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच जाना चाहिए था, पर हम इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि कल हम कुछ बहुत एक्साइटिंग सा कर रहे हैं जिसकी शॉपिंग हमें करनी थी। तो वही शॉपिंग चल रही है और कल का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मस्त, मतलब देख के ना आपको एकदम मजा आ जाएगा। और हिंट में नहीं दूंगी अभी यार, हिंट दे दूंगी तो मजा नहीं आएगा। सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड और आई नो आपको बहुत पसंद आने वाला है। मीको एक बार तेरा कवर दिखा दे यार। मीको यार मेरा कवर तो ये यार, मीको दिखा। अरे मीको दिखा, हमने मीको को नया कवर दिलाया, दिखा दे मीको यार। ये देखो हमारी छोटी बच्ची का कवर, इन्होंने तो मुझे कवर दिलाया ना, और छोटी छोटी नीबी। आजा बेटी गोदी आजा, पापा के पास आजा। हमने ना वहाँ पर प्लान कर लिया था इसको दिला देंगे, बाद में इसको खूब चिढ़ाएंगे। हमने बाहर निकलते इसको चिढ़ा रहे हैं हम लोग। ले बाहर आते जो चिढ़ा रहे हैं मुझे। जब आपको बहुत तेज वॉशरूम जाना हो और एक को है ना, एक बंदा कार जो गाड़ी चला रहा है वो सुबह से भूखा हो और बीच में ट्रैफिक हो, तो आप सोच सकते हो क्या होगा। और ऊपर से ना बार बार स्पीड ब्रेकर आए, हमारी ऐसी हालत हो रही है ना, मतलब इसकी भूख से हालत टाइट हो रही है और हम तीनों को रहा बहुत तेज। मैंने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया। देखो एक गड़बड़ हो चुकी है, सूरज है ना फ्लैट की चाबी कहीं पे गिर चुका है और वो फ्लैट के बाहर खड़ा है और वो ना टेक अवे लेके आ जाओ। और एक और बात बताती हूँ, अंदर इतनी भयंकर भीड़ है ना कि अगर आज ऑर्डर किया ना तो कल मिलेगा। आज ना हमारी किस्मत में सुसु करना है और ना खाना खाना है। हम मंजिल से पहुंच के दूर आ गए, भूख लग रही है। मैं सूरज से फोन पे बात कर रही थी कि मैंने कहा ना तू यहाँ पर आ जा, हर्ष को बहुत ही भूख लग रही है। पर उसने कहा कि घर पूजा नहीं हुई है तो पूजा करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने कहा कि फटाफट से टेक अवे लेके आ जाओ, अपनी चुपचाप से ना ऐसे ऐसे मत करो। अभी तो हम घर चल जाते हैं, भैया को गाड़ी की चाबी मिल गई। सूरज को गाड़ी की चाबी मिल गई, गाड़ी की नहीं, भूख के मारे ना दिमाग काम नहीं कर रहा। फ्लैट की चाबी मिल गई है और हम अब फाइनली चैन से बैठ के खाना खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है सालों बाद हम खाना खा रहे हैं, हम लिटरली बहुत ज्यादा भूखे हैं। एंड वी आर बैक और हमारे कैमरे का क्योंकि लेंस चेंज नहीं था इसलिए मुझे फोन से शूट करना पड़ रहा है। बस आओ और पड़ जाओ है ना। आला बाका हो गया पड़ता है। हां भाई मैकडी बुलाए तो क्यों नहीं आया आप है? आओ मुझे चाबी दे जाओ है, और चाबी गाड़ी में रखी हुई है बुद्धू। तो मर 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 नहीं है, ये अच्छा लड़का है। हाँ मार मूर के अच्छा लड़का है। मैं तेरी हड्डियां चुभ रही हैं यार। एडी जी मैं इस पे गुस्सा करना चाहता हूँ। यार बताओ मैं एक्सरसाइज करके आऊँ फिर मेरे को मैकडी बुला रहा है तो कैसे चला जाऊँ मैं मैकडी यार। तो मता फ्राइज हमने तो फ्राइज बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ कल के लिए। क्या क्या कर लाई शॉपिंग देख गाइस। वैसे तो मैं नहीं बताने वाली थी पर सोच रही हूँ बता दूं क्योंकि मुझसे ना एक्साइटमेंट कंट्रोल ही हो रहा। अच्छा ऐसा कुछ है क्या? तुम्हें कल बताएंगे। अरे देख रहा हूँ, देख रहा सूरज के लिए आई है। ठीक है समझ गया, कल ही बताएंगे। यार देखो मैं तो बता रही थी इसे रोक दिया मेरे को। कल ही बताएंगे। ओके फाइन। कोई हिंट दे दे जरा सा। सूरज उनके पहले अच्छा मैं आपको बताती हूँ कैसा हिंट दिखाना। ओके सो आई गेस आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हो ना तो कमेंट करना। मुझे इतनी तेज नींद आ रही कि मैं अभी कुछ भी बिना खाए ही सो जाऊं। तूने अपना खाना मंगा लिया? मंगा लिया, तू तो लाई नहीं, तू तो खाई ही मोटी घुस गई। कोई नहीं मैं खा रहा हूँ अभी पनीर, तो मेरा पनीर आ रहा है, मैंने ऑर्डर कर दिया था। पनीर खा के सोऊंगा क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है। चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल, बाय।